30 फीट इंटू 60 फीट, तो इसमें 30 फीट डायरेक्शन वाइज, ओके, और इधर 60 फीट, टोटल 30 इंटू 60 इज इक्वल टू 1800 स्क्वायर फीट। तो फॉन्ट जो है यहाँ पर नॉर्थ, ओके, नॉर्थ इधर फॉन्ट, इधर साउथ, साउथ इधर ईस्ट, ओके, साउथ ईस्ट इधर वेस्ट, वेस्ट, ओके, साउथ ईस्ट, ओके, इधर नॉर्थ ईस्ट एंड इधर नॉर्थ वेस्ट और इधर साउथ वेस्ट, ओके। तो इसमें हम एज पर वास्तु के हिसाब से क्या है, कुछ चेंज भी हो सकते हैं आपको अगर लगता है तो। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे इसका जो है डोर, इधर हम कुछ देखिए डोर का पोजीशन यहाँ पर ऐड कर देंगे ऐसे, ओके, ऐसे हम डोर ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डोर आएगा, इधर भी डोर आएगा, 4 बेडरूम के साथ हमने बिल्डिंग प्लान जो बनाया है ना, 4 बेडरूम के साथ इधर बनाया है, ओके, इधर भी डोर, इधर एक डोर, ओके, और इधर हमने बनाया है जो इधर एक डोर रहेगा ऐसे, ओके, इधर भी डोर। तो इधर कार पार्किंग, कार पार्किंग, ओके, इधर कार पार्किंग रखा है। तो उसके बाद चलिए डिटेलिंग पर जाने से पहले हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे इसको, ओके, इधर हम हाईलाइट करेंगे ऐसे, ओके, ऐसे। तो इसको भी पार्टीशन वॉल है इधर, ओके, इधर भी पार्टीशन वॉल, और इधर इधर जो है इसका भी पार्टीशन वॉल, इधर भी पार्टीशन वॉल, आउटर वॉल, ठीक है, और इधर भी आउटर वॉल। तो इसका विंडो का पोजीशन हम यहाँ पर रखा है, देखिए ऐसे, ओके, इधर ऐसे वॉल 125 mm का, इसका मतलब 5 इंच का पार्टीशन वॉल, ओके, इधर। तो इधर भी देखिए इंटरनल पार्टीशन वॉल, इधर भी पार्टीशन वॉल, इधर भी पार्टीशन वॉल। तो इधर एक कार पार्किंग भी है, ठीक है, इधर वॉल देखिए, इधर भी वॉल, इधर, और बाकी जो पोर्शन है इधर भी आएगा वॉल, देखिए इधर आएगा, इधर भी, इधर वॉल, ओके, और इधर उसके साथ 125 mm का देखिए, इधर भी वॉल, इधर भी वॉल, ठीक है। वॉल कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे इसका विंडो का पोजीशन, देखिए रेड कलर से हम यहाँ पर जो वेंटिलेशन है हम इसे रेड कलर से यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसको, तो वेंटिलेशन जो पार्ट है यहाँ पर रेड कलर आएगा, इधर भी वॉल आएगा, ठीक है, इधर भी देखिए, या इधर भी वेंटिलेशन है, इधर भी वेंटिलेशन, ओके, इधर भी, इधर भी आएगा, इधर और इधर आएगा, ओके, वेंटिलेशन पार्ट, और इधर एक जो इधर आएगा डक्ट, इंटरनल डक्ट आएगा इधर इसको वेंटिलेशन के लिए। तो उसके बाद चलिए इसका डिटेलिंग पर हम जाने से पहले इधर से स्टार्ट हो जाएगा इसका आर्म, इधर से आएगा ऐसे, इधर जाएगा ऐसे, इधर एक ऊपर जाने के लिए यहाँ पर एक डोर रख सकते हैं, इसके ऊपर जो है मेजरनरी फ्लोर अप कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कार पार्किंग एरिया। तो इसका एरिया है 10 फीट 4 इंच और इधर है 14 फीट 5 इंच का कार पार्किंग एरिया, ओके, कार पार्किंग एरिया के बाद इधर जो है डिस्टेंस 6 फीट 2 इंच
और इधर जो है 3 फीट 6 इंच, ठीक है, इधर 3 फीट 6 इंच ऐसे रखना है आपको, ठीक है, ऐसे आपको आ जाएगा। इधर भी 3 फीट 6 इंच हाइट का स्टेयर मिलेगा। इधर जो है वेटिंग प्लस लिविंग एरिया, ओके, यहाँ पर पूजा रूम जो गॉड रूम होता है, यहाँ पर 5 फीट और इधर 5 फीट का पूजा रूम, ओके। इधर जो है 8 फीट 7 इंच वाइड और इधर जो डिस्टेंस है 11 फीट 7 इंच, ओके, और इधर टोटल है 14 फीट, टोटल जो डिस्टेंस है 14 फीट। उसके बाद अंदर जाने से बाद यहाँ पर एक आएगा आपका स्टोर रूम, तो स्टोर रूम का साइज 6 फीट और इधर आएगा 8 फीट, ओके, और इधर 12 फीट विड्थ का एक जगह रहेगा। यहाँ पर डाइनिंग प्लस ड्राइंग हॉल एरिया, ओके, तो इधर कितना है देखिए, 18 फीट 5 इंच, 23 फीट 11 इंच इधर डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद इधर भी देखिए एक डोर आएगा जो इधर आएगा बेडरूम, ओके, इधर टॉयलेट, इधर बाथ प्लस लैट्रिन, इधर बेडरूम, ओके, इधर बेडरूम, इधर किचन। एज पर वास्तु के हिसाब से देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा वास्तु के हिसाब से कहाँ पर क्या क्या चीज़ ऐड करना है। तो इधर 10 फीट 4 इंच, इधर जो है 11 फीट, इधर 5 फीट, इधर 5 फीट, इधर 4 फीट, ओके, डोर आएगा इधर अटैच, इधर डोर, यहाँ पर भी बेडरूम, इसका डिस्टेंस 10 फीट 4 इंच, इधर आएगा 11 फीट 1 इंच, इधर डोर, बाथरूम 6 फीट 11 इंच एंड इधर आएगा 5 फीट डोर। इधर जो बेडरूम आएगा 10 फीट 4 इंच, इधर जो है 12 फीट, इधर बेडरूम आएगा 12 फीट, इधर जो आएगा 11 फीट, किचन इधर आएगा 7 फीट, इधर आएगा 12 फीट, ओके। तो देखिए इसमें आपको कितना बेडरूम मिला, फर्स्ट 1 2 3 4, और एज पर वास्तु के हिसाब से देखिए वास्तु के हिसाब से यहाँ पर रखा गया है सब कुछ। सिर्फ डाइनिंग रूम को इधर से इधर लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि इधर नहीं आएगा, मैंने एक साइड में कर दिया सब कुछ, ठीक है। तो स्टोर रूम जहाँ पर, यहाँ पर आप टॉयलेट भी कर सकते हो, वॉशरूम भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आउटर जो वॉल है यहाँ पर 5 इंच का वॉल और इंटरनल जो वॉल है इसका 5 इंच का वॉल, ओके। और इसका कॉलम पोजिशन जो आएगा आप कॉलम पोजिशन खुद ही कर सकते, देखिए ऐसे ऐसे आप यहाँ पर कॉलम प्रोवाइड कर सकते। देखिए इसका जो पोजीशन है ऐसे पोजीशन आप देख के यहाँ पर कॉलम का पोजीशन सेट कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो पोजीशन है कॉलम का, आप ऐसे कॉलम का पोजीशन सेट कर दीजिए, यहाँ पर भी कॉलम का पोजीशन सेट कर सकते, इधर भी, इधर इधर इधर, ओके। और इसका जो डिस्टेंस है इसके हिसाब से आपको क्या करना है, इसका सेंटर से एक इधर कॉलम प्रोवाइड करना है, ऐसे आप कर सकते हैं कॉलम, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका जो कॉलम का साइज़ आएगा इधर 10 इंच बाई 12 इंच का कॉलम साइज आएगा, ठीक है। टोटल स्क्वायर फीट 8100 स्क्वायर फीट। टोटल कॉस्ट कितना आएगा, बिल्डिंग कॉस्ट जो आएगा इसका टोटल 26 से 30 लाख आपका ऐसा आ जाएगा बिल्डिंग कॉस्ट, ओके।
और बिल्डिंग में कोई भी कुछ चेंज करने है तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक बार बिल्डिंग प्लान हम खत्म करते हैं, प्लान को एक बार देखिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एज पर वास्तु के हिसाब से कोई भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट वीडियो पर।